जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारा रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है स्टेट का, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एंड सेकंड की हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा शहरी स्थानीय जो शासन थे उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मुद्रा स्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। तो आपको बताना है कि जब मुद्रा स्फीति होती है तो उस समय कौन सा वर्ग लाभ के पोस्ट पर होता है, मतलब किसको मैक्सिमम लाभ होता है। तो इसमें ऋणी हो गया, और ऋणी के साथ साथ जो हमारा व्यापार वर्ग होता है, इन दोनों को इस समय लाभ की स्थिति में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा स्फीति के समय ऋणी और व्यापारी वर्ग, यह दोनों बेनिफिट की स्थिति में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। तो मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, यह किसके अधिक हो जाने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है नाइट्रेट के मैक्सिमम यानी कि अधिक हो जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसके द्वारा पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग की जो स्थापना किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सुशील कुमार घोष, इसके द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अनुशंसा कब बनाया गया, यानी कि भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध कब से लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 1843 ईस्वी से दास प्रथा पर रोक लगाया गया है। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग से इसका संबंध है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया था। तो आपको पता होगा कि अभी जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले द्वारा दिया गया है, जो कि परमाणु क्रमांक पे है, और मेंडलीव ने जो इससे पहले परमाणु पीरियोडिक टेबल दिया था वो परमाणु द्रव्यमान पे था, और इसमें जो आवर्त है किस आवर्त को सबसे बड़ा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जिसमें कि चौथे, पाँचवें और छठे आवर्त जो थे इसे सबसे बड़ा आवर्त कहा गया था। चौथे, पाँचवें और छठे को बड़ी आवर्त की संज्ञा दी गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा एक ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो आर्टिकल हमारा 40 जो है इसमें ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 44 जो है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यह भी सही है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 42 की, तो इसमें काम की नियत संगत मनोवचित दशाओं में प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया है, यह भी सही है। लेकिन आर्टिकल 51 जो है इसका संबंध कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है यह आर्टिकल 50 में बताया गया। तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है।
जो हमारे बॉडी से पसीना बाहर आता है, इसका जो ग्रंथि होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना, यह पसीने की ग्रंथि का कार्य होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा स्थल है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा राखीगढ़ी, यह प्रजेंट भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति का मुख्य किस कारण से असफल रही थी? जो 1857 की क्रांति हुई, जिसे हम स्वतंत्र भारत का प्रथम क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसमें किस किस बातों पर असफलता रही थी? तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो इसमें नेतृत्व करने का अभाव था, मतलब कि कोई बड़ा लीडर नहीं था जो इसका नेतृत्व कर सके। एंड ऑप्शन नंबर बी है, किसी समान योजना का केंद्रीयकरण संगठन की कमी, और तीसरा है इसके प्रभाव की समिति क्षेत्र का होना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति की असफलता में यह सभी कारण इम्पोर्टेंट था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश सम्राट में किया गया था? तो सिंध प्रांत का विलय जो है ये ब्रिटिश सम्राट साम्राज्य में किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन बरो के काल में किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है शेयर बाजार से इसका संबंध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। एलके झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अभी जो जीएसटी को अपनाया गया है, जो कि 1 जुलाई 2017 से लग रहा है, यह भी एक अप्रत्यक्ष कर का रूप है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त समिति, प्रक्रिया नियम समिति हो गया, संचालन समिति हो गया, या वित्त एवं कर्मचारी समिति हो गया। तो इन तीनों का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, तो इसमें अवतल लेंस का होता है, और दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ब्राजील से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको पता होगा अनुसूची 6 में 4 राज्य को स्पेशली विशेष अधिकार दिया गया है, इनमें से कौन एक राज्य है जो इसमें इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है मणिपुर, यह इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ साथ असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया, ये 4 राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित कीजिए। जब 1857 की क्रांति चल रही थी, इस समय अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत दिया था, मैंने कुछ कथन कहे थे, तो किसका संबंध किसके साथ है ये आपको बताना है।
अगर हम बी डी सावरकर की बात करते हैं तो बी डी सावरकर ने क्या कहा था? तो बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो बी डी सावरकर ने ही कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। एंड नेक्स्ट अगर हम कर्नल रिच की बात करते हैं तो इसने कहा था, इसके द्वारा कहा गया था कि धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध इसके द्वारा गया था। एंड अगर हम टी आर होम्स की बात करते हैं तो इसने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। और डिजलैली के द्वारा कहा गया था यह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों के गठित किया गया था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसका कौन एक सदस्य नहीं था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, जॉन साइमन इस समिति का अध्यक्ष नहीं था। पैंथिक लॉरेंस हो गया, एस्टोफोर्ट क्रिप्स हो गया और अलेक्जेंडर हो गया, ये तीनों इस समिति के सदस्य थे। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, हम्बोल्ड जलधारा या प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, धनानंद। यानी कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे तो इसका युद्ध जो है राजा पुरुष के साथ हुआ था, पौरुष के साथ होता था, और इसके समकालीन धनानंद थे जिसके धोखा देने से पुरुष की मृत्यु हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं का त्यागपत्र दे दिया था? जो गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इस समय किस नेता ने त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने त्यागपत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई सांसद सदस्य सदन में अनुमति के बिना सांसद की सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे कि सदन से उस पद की रिक्ति घोषित कर दिया जाए? न कि सांसद का कोई सदस्य है वह बिना बताए कितने दिन तक संसद नहीं जाए तो उस पद को रिक्त कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा, 60 डेज, यानी कि 60 दिन से अधिक अगर बिना अनुमति का वह अनुपस्थित रहता है तो वह पद को रिक्त कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो प्रतिनिधित्व सिद्धांत का कौन एक रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, सर्वसम्मति, यानी कि जो भी फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है वह प्रतिनिधित्व सिद्धांत के रूप नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विश्व व्यापार में यदि कोई देश मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। यानी कि उस देश की आपूर्ति से अधिक उस देश की जो मुद्रा है उसका डिमांड होने लगे तो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में होता है, तो यहाँ आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है। और यकृत जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो इसमें चार ऑप्शन में कौन कौन है जो असत्य फल के उदाहरण है? तो इसमें सेब हो गया और नाशपाती हो गया, यह दोनों जो है असत्य फल के उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है?
यहाँ चार ऑप्शंस दिया गया है, इनमें कौन कौन पादप हार्मोन है ये आपको बताना है। तो एप्सेटिक अम्ल हो गया, या जिब्रेलिन्स हो गया, ऑक्जिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सभी जो है ये पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता। तो यहाँ चार ऑप्शन जो दो आपको दिए गए हैं, इनमें किसका जड़ हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आलू, इसका जड़ भाग को हम नहीं खाते हैं। और इसके अलावा अगर हम गाजर हो गया, शलजम हो गया, या चुकंदर हो गया, इन सभी का हम जड़ भाग को खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल हम बनाते हैं इसमें उत्प्रेरक के रूप में किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैटिनियम चूर्ण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे आपको सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया है और इसका मेजरमेंट किसमें किया जाता है वो आपको बताना है। तो अगर हम आवेग की बात करते हैं तो आवेग को किसमें मेजरमेंट किया जाता है, न्यूटन पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य को जूल में मेजरमेंट किया जाता है। दाब की अगर हम बात करते हैं तो दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है। बल की अगर बात करते हैं तो इसका न्यूटन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेग के लिए न्यूटन पर सेकेंड, कार्य के लिए जूल, दाब के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल के लिए न्यूटन। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। तो प्रकाश जो गति करता है यह तरंग और कण दोनों रूपों में करता है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया गया की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ चार स्टेटमेंट दिया गया है कौन गलत है। तो अगर हम महावीर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह गोवा में है, बिल्कुल करेक्ट है, यह गोवा में है, बिल्कुल करेक्ट है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल सही बात है। और मौलिंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश में, जो भी सही है। इटांगी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह मणिपुर में नहीं है, यह नागालैंड में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो था यह गलत था, इटांगी नेशनल पार्क जो है यह नागालैंड में है, बाकी जो जितने भी है यह बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ एक ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें अगर हम डाउन्स की बात करते हैं तो यह उष्ण कटिबंधीय नहीं है, यह आद्र उपोष्ण कटिबंधीय वन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज की बात करते हैं तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सेलवास की बात करते हैं तो यह उष्ण कटिबंधीय वन है। और टैंगा की बात करते हैं तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो था डाउन्स, यह उष्ण नहीं है, यह आद्र उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ बांध दिया गया है और वह किस नदी में है ये आपको बताना है। तो अलमाटी बांध की बात करते हैं तो यह कृष्णा नदी में है। गांधी सागर बांध की बात करते हैं तो यह चंबल नदी में है। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी में है। इटुकी बांध की बात करते हैं तो यह कावेरी में नहीं है, यह जो है पेरियार नदी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत सुमेलित था। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध देश है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हंगरी जो हमारा यह स्थल अवरुद्ध देश है। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौरा द्वीप से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बनवाली से प्राप्त हुआ है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है मगध, मतलब कि 6वीं सदी के समय यह मगध सबसे अधिक शक्तिशाली वन था, मतलब कि राज्य था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? जो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जो जैन धर्म में, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलव्य, जैन धर्म में इसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको पता होगा कि प्रेजेंट संविधान के भाग 3 हॉट मनी के शब्द में उपयोग किया जाता है। जो हॉट मनी होता है इस शब्द के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है, मतलब कि हॉट मनी से हम अदर देश में डायरेक्ट इन्वेस्ट या लेन देन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राज्य नहीं है? तो बिम्स्टेक में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है मालदीप, यह बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो खिलजी वंश के संस्थापक जो है यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो थे, मतलब कि इस वंश के जो संस्थापक जी खिलजी वंश के, अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिक को नगद वेतन देने का प्रथा शुरू किया था, और स्थानीय सेना भी इसका नींव रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागना और सैनिक का हुलिया लिखवाना, ये सारे प्रथा को स्टार्ट किया था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल नियंत्रक प्रणाली की प्रथा स्टार्ट किया गया था। सिली का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल, यह सभी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही तैयार किए गए थे। और इसने स्वयं को सिकंदर एस्तानी की उपाधि से विभूषित किया था, निर्धारण किया था। और इसके समय भूराज का जो उपज का कर था वह 1/2 यानी 50% भाग था। और दक्षिण भारत में विजय के लिए इसने मलिका काफूर को भेजा था।